जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू विथ द हेल्प ऑफ यूटिलिटी स्केड्यूल एंड डायग्राम। अब ये क्वेश्चन आपको आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि आप क्या करो, रिलेशनशिप बताओ टीयू और एमयू का, किसकी हेल्प से बताना, यूटिलिटी स्केड्यूल की हेल्प से बताना और साथ साथ डायग्राम भी बनाओ। तो अब ये 6 मार्क है, तो इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसका आंसर हम देखो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। ध्यान से आप लोग सीख लो बेटा, आपको मैं सिखा दे रहा हूं। इस प्रकार से आंसर दिखेंगे अपन। द रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU can be explained by 3 observations. TU और MU के रिलेशन को 3 observations से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन, when TU total utility increases, the MU is positive. When TU is maximum, the MU is zero. That is point of satiety, मतलब full satisfaction. तीसरा, when TU declines, the MU is negative. अब इसी चीज को हमको अगर बोला जाए कि आप इसको यूटिलिटी स्केड्यूल से शो करो, तो यूटिलिटी स्केड्यूल मतलब आपको किसी एक कमोडिटी को लेकर टीयू और एमयू निकालना पड़ेगा और साथ साथ डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो पहले तो 3 ऑब्जर्वेशन हमारी हो गई, जब TU बढ़ता है तो MU पॉजिटिव होता है, जब TU मैक्सिमम होता है तो MU जीरो हो जाता है, इसे पॉइंट ऑफ सेटिएटी बोलते हैं, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट, और TU डिक्लाइन करता है तो MU नेगेटिव हो जाता है। ये तो पहले हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा, रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU। अब यूटिलिटी स्केड्यूल एकदम खूबसूरत सा नीचे आप बनाना, ऐसे लिखना यूटिलिटी स्केड्यूल, ऐसा लिखने के बाद आप क्या करना, यहां पर लिखना यूनिट्स, आप लिखना यूनिट्स, तो यूनिट्स ए बी सी डी ई, एक और अगर मैं दे दूं तो एफ, किसी भी गुड्स के यूनिट हो सकते हैं। यहां पर आप बनाना मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर बनाना टोटल यूटिलिटी, ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम यूटिलिटी अपने अजम्पशन के हिसाब से जितना देना चाहते हो, तो जैसे मैं 20 देना चाहता हूं तो मैं 20 के हिसाब से बनाऊ, तो पहले यूनिट को मैं कंज्यूम किया 20 की यूटिलिटी आई, दूसरे को किया थोड़ा कम हो गई 16 हो गई, तीसरे को किया तो ये 10 हो गई, ठीक है, 10 के बाद कितनी हो गई 5 हो गई, 5 के बाद 0 हो गई, 0 के बाद ये हो गई मान लो -5, ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है। अब इसके हिसाब से टोटल यूटिलिटी निकालूंगा तो कितना होगा, 20 36 46 36, फिर 46, फिर 51, फिर 51, फिर -46। ये यूटिलिटी का स्केड्यूल बन गया। इतने तक आप भी बना पाते हो कि नहीं बताओ, आपको इसमें कोई तकलीफ है क्या, आपको इसमें कोई तकलीफ है क्या? एक बस करेक्शन करूंगा मैं, इसको मैं आपका 3 कर देना चाहूंगा, घटाओ तो डिक्रीजिंग रेट से घटाओ ना, तो अब ये क्या हो जा रहा है यार, इस हिसाब से ये 49, फिर से 49, और ये -5 करने से ये हो जा रहा है कितना, 44,
ये मेरा स्केड्यूल बनेगा। क्या चीज? ठीक है, इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या? वो दो कैसे लिख दिया होगा बेटा, ठीक कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? रौनक समझ आया? वो दो कैसे लिख दिया था? अब ये हो गया यार आपका क्या, एमयू और टीयू का बन गया स्केड्यूल, यूटिलिटी स्केड्यूल ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब स्केड्यूल बनने के बाद यार आप क्या करो, इसका टेबल बना लो। ठीक है, तो आपको मैंने बताया जब आप टेबल बनाते हो तो ऊपर साइड में ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जीरो पॉइंट है। यहां पर हम शो करते हैं टोटल यूटिलिटी ऊपर, और नीचे शो करते हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी शो करते हैं। हमने पीसेस कितने कंज्यूम किए हैं, ए बी बराबरी में लिखना एकदम, सी डी ई एफ, सिमिलरली यहां पर भी हमने कितने पीसेस कंज्यूम करे, ए बी सी डी ई और ये एफ, इतने पीसेस हमने कंज्यूम करे। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी है तो यहाँ पे भी अपन वाई तक ले लेंगे, है ना। अब जैसे इसका आप बना के देख लो डायग्राम कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आप पॉइंटर्स ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और एक के ऊपर सबसे ले लिया 45। और भी गया क्या यार? और भी गया हुआ है, तो ये 45 हो गया, तो इसको लंबाई खींच देता हूँ, अच्छे से देता हूँ मैं भी, क्यों ऐसे दे रहा हूँ, कंजूसी क्यों करना। तो दूर की लाइन दे देते हैं यार, इतना ऊपर दे देते हैं, क्या दिक्कत है। ये वाई यहाँ पे दे दो कितना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक गया। ठीक है, अब नीचे भी दे दो आप, कितना दे दो आप, 4, 8, 12, 16, 20 नीचे आप दे दो कितना, -4, -8, -12। अब बना लो, आप बना पाओगे कि नहीं खुद से ये बताओ, कि मेरे को बना के देना पड़ेगा आपको, ये आपसे बन जाएगा, आपसे बन जाएगा, हाँ या ना। टीयू बनाओ, फर्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करे तो आपको कितनी यूटिलिटी आई इससे, 20 की आई। फिर आपने जब सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करी तो कितने की आई, 36 की आई। फिर तीसरी करी तो 46 की आई। फिर चौथी कमोडिटी करी तो डी करा तो 49 की आई, ई भी किया तो 49 की आई, फिर एफ में 44 की आई। तो ये मेरा टोटल यूटिलिटी का कर्व ऐसा बन गया। अब मैं नीचे मार्जिनल यूटिलिटी का ही बना देता हूं, कमोडिटी ए कंज्यूम किया था कितनी आई थी, 20, फिर 16 के बाद कितना, 10, फिर 3, फिर 0, फिर आखिरी में -5। इन पॉइंट्स को भी जोड़ दो आप। अब ये आपने जैसे जोड़ दिया तो आप यहाँ पे रिलेशन यही तो बताना चाह रहे हो कि जैसे ये देखो, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। यहाँ पर भी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पॉइंट आपका ई है और ये एफ है। तो आप क्या बता रहे हो, देखो ए बी सी डी चारों पोजीशन में आप देखोगे तो टी यू आपका बढ़ रहा है, ए बी सी डी टी यू बढ़ रहा है तो एम यू भी पॉजिटिव है। फिर जब टी यू मैक्सिमम पे पहुंच गया तो एम यू क्या हो गया, जीरो हो गया ई पॉइंट पे। तो
आप इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे जब ये टी यू मैक्सिमम था, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद डिक्लाइन हो गया। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी देखो जीरो हो गई थी। ई पॉइंट यहाँ पर मैक्सिमम पे, यहाँ पे जीरो पे, तो ये क्या बताता है? पॉइंट ऑफ सेटिएटी बताता है। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे टी यू फॉल हो गया, गिर गया, जैसे डिक्लाइन हुआ एफ पॉइंट पे, यहाँ पे एम यू भी एफ पॉइंट पे क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया। यहाँ पर एबीसीडी में वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था एबीसीडी पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी एमयू जो था वो पॉजिटिव था। सभी लोग हैंड रेस करो, बात समझ आ गई कि गया? तो अब ये पूरा आंसर छह नंबर के लिए हो गया, ऐसे लिखना रहेगा। ये सिक्स मार्क है, क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो, लगे तो फोटो खींच लो, लगे तो फोटो खींच लो, ये आंसर है। क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी स्केड्यूल एंड डायग्राम। आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो, ठीक है? ये इसका आंसर है, ऐसे लिखा जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर है, आपको स्क्रीनशॉट देना है। यस सर बोलना, आपने दे दिया। ऐसा यूटिलिटी स्केड्यूल बनाना, उसके बाद क्या बनाना है अपने को? नीचे डायग्राम बनाना है। अब सभी लोग बताओ क्लास में, आपको ये रिलेशन एकदम अच्छे से क्लियर है कि अभी भी निपटा हुआ है? नहीं समझ आया? क्लियर? स्क्रीनशॉट वोट दे दी हो क्या? स्क्रीनशॉट देना है इसका आपको। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, छह नंबर का क्वेश्चन है आपसे, एक्सप्लेन कंज्यूमर, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट भी है, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। With the help of utility schedule, वो करना ही है आपको, रिलेशन बताने के लिए करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट दिखाना होगा कब सेटिएटी में पहुंचे, तो जैसे मेरे ई कॉम्बिनेशन में आप सेटिएटी पे पहुंच गए, लाइन को जोड़ना पड़ेगा, जब एम यू जीरो होगा तब टी यू मैक्सिमम होता है, ये आपको भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है देखो छह नंबर का आपके लिए क्वेश्चन है, ग्राफ मतलब ये डायग्राम बनाना, आपको आंसर शीट में बनाना, अलग से कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा आपको, जो आंसर शीट मिलेगी उसमें डायग्राम बना के आना। ये यूटिलिटी स्केड्यूल बनाना, अपने हिसाब से आप मैक्सिमम यूटिलिटी दे दो, 20 देना 80 देना है, जो आपकी मर्जी दे दो, और ये डायग्राम बनाना। आपके लिए क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ सिंगल कमोडिटी के केस में यूटिलिटी स्केड्यूल की हेल्प से, ये क्वेश्चन भी छह नंबर का है आपका। तो इसका आंसर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप आंसर देखो, और नहीं समझ आए फिर भी तो बोलना सर एकदम ही नहीं पल्ले पड़ता है, क्या बता रहे हो आप, और कुछ किया जाए फिर उसके लिए। इसका आंसर कैसा बनेगा देखो, सबको विजिबल है, थोड़ा पेन को मोटा कर देते हैं, है ना, ध्यान से देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू, ध्यान से देख लेना, रिफर्स टू द सिचुएशन, रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग, लगे तो स्क्रीनशॉट दे देना इसका, इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन With limited income, with limited income, ठीक? ये लिख लिया अपन consumer equilibrium की meaning। एक line छोड़ के लिखते हैं, in case of single commodity, in case of single commodity, a consumer purchasing a single commodity, commodity will
कमोडिटी मतलब गुड्स होता है ना, ध्यान रखना, विल बी एट इक्विलिब्रियम, विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें आप इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचोगे जब आप उतनी क्वांटिटी खरीद लो जो आपको क्या देगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो आगे सुनना, फॉर दिस पर्पस टू फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। यहां पे दो चीजें देखनी होती है, पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी। आप सामान का प्राइस देखो और अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को देखो, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप फुल सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो कि नहीं हो। यहां पे हम ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, हियर MUX मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स इज कन्वर्टेड इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कारण सहित बताऊंगा तो ये बात याद रहेगी, फ्रॉम मनी। कैसे? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स। यहां पे प्राइस हमेशा 1 रुपए देके चलते हैं, 1 util इज इक्वल टू 1 रुपी। अब सुनो मैंने जो बोला आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहां कंज्यूमर को अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है। जब सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब उतनी क्वांटिटी खरीद ले जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो इसलिए दो बातों पर ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको गुड्स के प्राइस पे ध्यान देना है और दूसरा उससे आने वाली यूटिलिटी पे। यूटिलिटी का मतलब यहां पर हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट करके गिनते हैं कि पैसा खर्चा करने पर उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गुड्स से आने वाली सेटिस्फेक्शन को जब आपको मनी सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करना, उसको डिवाइडेड बाय 1 कर देना, ऐसे याद रखना, डिवाइडेड बाय 1 कर देना तो ये मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एक यूटिलिटी स्केड्यूल आपको मैं बना के दिखाता हूं तो इससे आपको ये चीज और क्लियर होगी। आपको एक इसका यूटिलिटी स्केड्यूल बना के दिखाता हूं। आप एक कंज्यूमर हो, आप मार्केट में गए, आप किसी गुड्स को खरीदना चाह रहे हो, उसके 5 पीस हैं ABCDE, आप किस लेवल पे सेटिस्फाई हो उसकी बात है। तो इस गुड्स के फिक्स प्राइस है, हर गुड्स 10 रुपए का, हर सामान 10 रुपए। अब आपने जब गुड्स ए को कंज्यूम किया तो इससे आपको जो सेटिस्फेक्शन आया, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स आया, ठीक है, ये कितना आया, मान लो 20 आया, 16 आया, 10 आया, फिर आना बंद हो गया, फिर -10 आया, ठीक है। ये आपको अभी कंजम्पशन से होने वाली सेटिस्फेक्शन है तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स। आपको इसको क्या करना होता है, ये जो MUX है इसको आपको कन्वर्ट कर देना होता है MUM में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में। तो कन्वर्ट ऐसे करना है कि आपको अपने MU of X को डिवाइडेड बाय P of X, प्राइस ऑफ X जो मैंने हमेशा बोला 1 रुपी देना, इससे आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका बताओ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना कितना आएगा, फटाफट बोलो। आप अगर डिवाइडेड बाय 1 करते हो तो कितना कितना आएगा, बोलो फटाफट कितना कितना होगा। आपका गुड्स से आने वाली यूटिलिटी जो है 20, 16, 10, 0, -10 है। अब आप उसको मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ट कर दो मनी के रूप में कि मनी से क्या सेटिस्फेक्शन आ रही है, तो वही हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो क्या 20, 16, 10, 0, -10। सर ये कैसे भाई, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 है, डिवाइडेड बाय मैं 1 करने बोल रहा हूँ, फिर 16 है, मैं डिवाइडेड बाय 1 करने बोल रहा हूँ,
10 है मैं डिवाइडेड बाय 1 करने बोल रहा हूँ, 0 है डिवाइडेड बाय 1 करने बोल रहा हूँ, -10 है डिवाइडेड बाय 1 करने बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर आ रहा हूँ ताकि कंज्यूमर जो है ना वो रेट कंपेयर कर सके कि सामान 10 रुपए का है तो उससे मनी रूप में उसको कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो आप जैसे डिफरेंस देख लो, यहाँ पे डिफरेंस देख लो, ठीक है, सामान 10 रुपए का है और आपकी सेटिस्फेक्शन 20 की आ रही है, ठीक है, सामान 10 रुपए का है और आपकी सेटिस्फेक्शन 20 की आ रही है, तो आप फायदे में हो, ठीक, सामान 10 रुपए का है आपकी सेटिस्फेक्शन 16 की, अभी भी आप फायदे में हो, सामान 10 का है आपकी सेटिस्फेक्शन भी 10 की है, अब 0 आ गए, 0 मतलब होता है पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन 0 की है, समान 10 का है, -10, आपकी सेटिस्फेक्शन -10 की है और समान 10 रुपए का है, -20। तो ये डिफरेंसेस क्या बताते हैं कि आपकी सेटिस्फेक्शन 20 की है, 20 रुपए की है और समान आपको 10 में मिल जा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, आपका फायदा है। आपकी सेटिस्फेक्शन 16 रुपए के बराबर की है और आपको सामान 10 रुपए में मिल जा रहा है, अभी भी आप खुश हो तो आप और कंज्यूम करोगे, You will consume more, क्योंकि आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है, आपको दिख रहा है आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और प्राइस कम मिल रहा है आपको। फिर जब आपकी सेटिस्फेक्शन भी 10 की और प्राइस भी 10 का है तो ये 0 हो जाता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम। अब इससे ज्यादा आपको सामान को नहीं खरीदना चाहिए वरना नुकसान में होंगे, तो यहाँ पर आप देख लो नुकसान, तो शुड नॉट कंज्यूम। कि सेटिस्फेक्शन आ नहीं रहे फिर भी खरीद रहे हो तो 10 रुपए का नुकसान, फिर सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली गई फिर भी खरीदे तो 20 का नुकसान, तो ये बोलता है शुड नॉट कंज्यूम। तो आपने क्या किया सिंगल कमोडिटी में, आपने अपने सेटिस्फेक्शन को मनी में कन्वर्ट किया, फिर गुड्स के प्राइस से कंपेयर करके देखा कि आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आपने ये किया। ये मैंने आपको वही है जो MUX है वही MUM है, हम बस उसको कन्वर्ट करके ये दिखाना चाहते हैं कि पैसा खर्चा करके कितना सेटिस्फाइड है। ये डिफरेंस आंसर अच्छा दिखने के लिए जरूरी है, दिख लेना। कैसे निकाले हो डिफरेंस तुम, MUM माइनस P करके प्राइस को ये डिफरेंस निकाले। तो जब तक पॉजिटिव में कंज्यूम करो, जीरो हो गया मतलब इक्विलिब्रियम, माइनस हो गया मतलब मत कंज्यूम करो, और नीचे कंक्लूजन लिख दो, एट पॉइंट सी द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एंड इज फुल्ली सेटिस्फाइड। जितने लोग क्लास में हो सबको ये बात समझ आई कि नहीं है ये बताओ। अब भी डाउट है कि समझ आ गया पूरा ये सिंगल कमोडिटी, हा या ना? समझ आ गया कि अभी भी इसमें आपको डाउट आता है ये बताओ, सभी लोगों से मेरा ये सवाल है। क्लियर है? अब मेरे को अगर इसको टू कमोडिटी करना हो, क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं तो क्या करूं मैं? यहां पे देखो क्वेश्चन आपके लिए बदल आ जाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो, स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो आप इसका। यस सर बोलोगे तो मैं अगला बता देता हूं। अच्छा अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज विद द हेल्प With the help of utility schedule,
अब स्केड्यूल बनाना तो सीख गए हो, आज इसके होमवर्क दूंगा बेटा, ये करना मेरे को, ठीक। अब आंसर देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज आर इक्वल। आप दो सामान यूज कर रहे हो और एक ऐसा पॉइंट जब आ जाए कि जब दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी मैच करने लग जाए तो बेसिकली ये माना जाता है इंसान कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या, एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई, ये इसका मतलब है, ठीक है। एम यू एफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स या पी ऑफ वाई का मतलब 1 रुपी होगा, हमेशा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको 1 रुपी देके ही अजम्पशन से करना। यूटिलिटी स्केड्यूल बना के दिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। एक साइड में गुड्स ए है, ठीक है, ए बी सी डी ई, इसका प्राइस दिया हुआ है मान लो 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, या प्राइस ना भी दू तो कोई इश्यू नहीं है इसके स्केड्यूल में। अब ध्यान से सीखो, अब आपने जैसे इसको कंज्यूम किया तो आपकी इसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो आ रही है वो कितना कितना आ रही है, मान लो 20, 16, 10, 5, 0, ये आ रही है, ठीक है। अब इसको आप मनी में कन्वर्ट कर दोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम मतलब एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स, तो कितना कितना आएगा बताओ, कितना कितना आएगा ये बता दो, कितना कितना आएगा बता दो, एम यू एम कितना कितना आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना कितना आएगा फ्रॉम गुड्स एक्स, फ्रॉम गुड्स ए, मार्जिनल बताओ कितना कितना आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फ्रॉम गुड्स ए आएगा 20, 16, 10, 5, 0, सर क्या कर दिए यार, मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट कराना डिवाइड बाय 1 करके, 20 बाय 1, 16 बाय 1, 10 बाय 1, इतना ही करना है बस, उसको मनी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1 कर देना, 5 बाय 1, 0 बाय 1, ये एक साइड हो गया। अब अपन यहाँ पे साइड में देंगे यार गुड्स बी, अपन यहाँ पे देते हैं गुड्स बी, उसके भी 5 यूनिट है मान लो ए बी सी डी ई, अब इससे होने वाली यूटिलिटी को मैं एम यू ऑफ वाई बोलूंगा, तो ये मेरा है मान लो 16, 12, उसके बाद ये है 8, फिर है ये 5, फिर ये है मेरा 0, ठीक है। अब इसको मैं मनी में कन्वर्ट करूंगा एम यू एम में, तो कैसे करूंगा, एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई, तो कितना कितना होगा 16, 12, 8, 5, 0। अब आपको क्या करना है, टू कमोडिटी में देखना है कि कब ये इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई कब इक्वल है, तो यहाँ पर जब इसके 4 यूनिट डी दे रहे हो तो भी 5 आ रहा है, और यहाँ पर भी डी में 5 आ रहा है, तो जिस लेवल पे ये मीट कर गए
माना जाता है वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब यहां से आप ए बी सी डी चार यूनिट कंज्यूम करो और यहां से भी चार यूनिट कंज्यूम करो तो आप इक्विलिब्रियम पे हो, आप इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है। और कहां कहां पे इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हो, सोलर सोलह पे भी हो, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा यूटिलिटी लेवल सोलर सोलह है जो हमारा मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हम कहां पे इक्विलिब्रियम पे हैं, गुड्स ए में बी पे और गुड्स बी में ए पे। आपको बात समझ आई कि नहीं? हाँ बिल्कुल, 16 और 5 दो जगह आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो जो फिगर बड़ा उसको देना, 16 और 16 मैच कर रहा है तो आप इक्विलिब्रियम पे हो गए। कितना क्लैरिटी है, आपको बात समझ आई कि नहीं आई? ई पे तो जीरो हो गया, उसका क्या करेंगे, जीरो को नहीं मानते अपन, ठीक है। जहां मैच कर गया भाई, यहां से भी मेरी सेटिस्फेक्शन 16 की आ रही है, यहां पर भी 16, तो आपका कंक्लूजन ये है कि जब मैं गुड्स ए के ए और बी दो यूनिट देता हूं तो मैं सेटिस्फेक्शन पे आता हूं, गुड्स बी के एक यूनिट को देने पर भी। आपको ये बात क्लियर है? सभी लोगों को अच्छे समझ आया कि हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, समझ आया कि नहीं? टू कमोडिटी में देखना है कि दोनों कमोडिटी से आप कब सेटिस्फेक्शन में आ रहे हो, तो देख लेना जिस लेवल पे यूटिलिटी मैच कर रही है उस लेवल पे आ रहे हो। अब इससे इजी तो आपको कुछ मिल नहीं सकता, ठीक है। बीच बीच में ऐसे और इसके मैं क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा, मंडे से मैं आपको बीएसटी चालू करवा दूंगा, बिजनेस स्टडीज चालू करा दूंगा, कल छुट्टी, कल क्लास नहीं लूंगा आपकी मैं। स्क्रीनशॉट देना है तो दे दो, स्क्रीनशॉट देना है तो दे दो, स्क्रीनशॉट दे दो। मंडे से बिजनेस स्टडीज चालू कर दे रहे हैं, ठीक है, मंडे से बीएसटी चालू कर दे, मुझे अटेंडेंस देने दो अपनी। मंडे से बीएसटी चालू कर देंगे, बस यही है। गुड्स ए भी चार देंगे, बी भी चार देंगे, फाइव और फाइव में मैच कर रहा है, और सोलह सोलह मैच कर रहा है, तो ये भी बोल सकते हो गुड्स ए दो देंगे और गुड्स बी एक देंगे, ये इक्विलिब्रियम है। अब तुम सबको समझ आ गया होगा टीयूएमयू और इक्विलिब्रियम, और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी मेरे को ऐसा लगता है। इतना अपन पढ़ रहे हैं आज के लिए, काफी है। मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।